अल्टीमेट व्यू मिलने वाला है सुबह सुबह का 6:15 का। पर ये है कि रोड अपने को खाली मिल गया है तो ये अल्टीमेट हो गया। यहाँ से निकलते यार भाई साहब तूड़ी गिर रही है, तूड़ी भाई साहब रोड के पे इतने खड्डे हैं यार, भाई क्या ही कहूँ भाई। समराला चौक भी आ गया ना जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लाइफ ऑफ रविंदर गो यूट्यूब और फेसबुक पेज के ऊपर। और इस वीडियो में स्वागत है, सुबह सुबह अराउंड 6 आप सभी के लिए वीडियो लेके आ चुके हैं। भाई साहब 6 क्या कर रहे हैं जल्दी उठ के? कुछ नहीं कर रहा हूँ, परवातवेरी पे जाने वाला हूँ गुरुद्वारे राजूपा जी के घर में। तो जल्दी से मैं रेडी हो चुका हूँ, सर्दी बहुत ज़्यादा रहने वाली। सुबह सुबह लुधियाने का व्यू भी अल्टीमेट मिलने वाला, जैकेट निकालते हैं और मोटो व्लॉगिंग पे निकलते हैं। तो भाई साहब ठंडी बहुत ज़्यादा, तो मम्मी बोल रहे पहले चाय पीकर जाना, तो चाय अपन पीकर फिर निकलते हैं, ठंडी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। वाहेगुरु, बाबा जी से आशीर्वाद लेके वो निकलते हैं। अरे भाई साहब वही बात होगी जो मैंने को डर था, ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है भाई के ऊपर। ओए होए होए, आज तो बहुत ज़्यादा जल्दी मैं निकल गया हूँ पहली बार 6:15। पहले जाता था 1 पहले जब हॉट हिल म्यूज़िक के लिए वीडियोस बनाते थे, बट अभी काफ़ी टाइम बाद इतनी जल्दी जल्दी सुबह सुबह राइडिंग करने निकल चुके हैं। काफ़ी अलग लेवल का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अभी हम मेन रोड के ऊपर आ चुके हैं कैलाश नगर रोड से होते हुए। तो भाई साहब लग रहा है एक हाथ को पॉकेट में डालना पड़ेगा, जैकेट भी नहीं है मेरे पास, यार पुलोवर है तो पुलोवर के अंदर कैसे डालूं, स्वेटर जिसको बोल देते भाई साहब। अल्टीमेट व्यू मिलने वाला है सुबह सुबह का 6:15 का। अरे इधर से अभी हम निकलने कहाँ वाले हैं वो तो आपको मैंने बताया ही नहीं, तो इधर से मैं समराला चौक जाने वाला हूँ राजू पाजी हमारे भैया के घर पे। परवातवेरी होती है, जिनको पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये गुरुद्वारा की बाबा जी की तरफ से घर में गुरु ग्रंथ साहिब जी लाए जाते हैं, तो पूजा पाठ वगैरह होता है। और उसके बाद मेरे को वैसे 6:30 पहुंचना था वहाँ पे, मैंने सोचा था, तो अभी 6:15 हुए हैं, यहाँ से मैं 15 में समराला चौक पहुंच जाऊँगा अपने घर से। मतलब ऑन एवरेज 4 या 4.5 किलोमीटर का रास्ता है, तो आराम से हो जाएगा, मतलब कोई टेंशन नहीं है। पर दिक्कत यही है तेल ना ख़त्म हो जाए, क्योंकि पेट्रोल पम्प अभी है, बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा चलो ऐसे जाने देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा, टेंशन नहीं लेना, हर जगह मज़ा ही मज़ा है। जो ठंड का मज़ा है भाई साहब आप कैसे, मैं आपको कैसे ही बताऊँ भाई साहब। इतना लेवल अलग लेवल का एक्सपीरियंस मिला है मुझे ठंडी वाला, हाय 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 हाय, मेरे को लग रहा जुकाम हो गया अभी सही मेरे को, क्या बात। पर ये है कि रोड अपने को खाली मिल गया है तो ये अल्टीमेट हो गया। यहाँ से निकलते यार भाई साहब तूड़ी गिर रही है, तूड़ी अपने ऊपर, क्या है ये तूड़ी भाई साहब, निकल गए। भाई साहब इतनी ज़्यादा पाउडर हमारे ऊपर उड़ा के चले गए, पूरी आँख नाक नकान सब भरती है पाउडर से। भाई साहब मुंह में भी इतना पाउडर डाल दिया है। मतलब अभी 6:15 पे आप ये नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा डे हो गया, क्योंकि अभी भी, अरे भाई साहब रोड के ऊपर खड्डे, अब ऐसा नहीं बोल सकते कि अभी डे हो गया। अभी देखिए लाइटें ऑलमोस्ट सभी ने अपनी अपनी गाड़ियों की लाइट्स ऑन रखी हुई, हालांकि मैंने भी अपनी
गाड़ी की लाइट ऑन रखी हुई है अपनी बाइक की, तो ये अभी मेरे को लग रहा है ऐसे 6:30 या 6:45 तक इस तरह ही लाइट चलने वाली है, उसके बाद जाके बंद होगी। भाई साहब रोड के पे इतने खड्डे हैं यार, भाई क्या ही कहूँ मैं, अल्टीमेट इज्जत हो रही है अपने लुधियाने की, अपने प्यारे लुधियाने की। ये हम पहुंचने वाले हैं समराला चौक, यहाँ पे सबसे पहले गुरुद्वारा आएगा, गुरुद्वारा आएगा लेफ्ट साइड में, इस साइड में गुरुद्वारा आएगा नानक सर गुरुद्वारा है मे बी, तो नानक सर गुरुद्वारा के बिल्कुल सामने अपन ने जाना है, पर घूम के जाना पड़ेगा समराला चौक से, क्योंकि पुल आ गया इधर के साइड में, तो मेरे को नहीं पता मेरी आवाज़ आप तक कैसे पहुँच रही होगी, क्योंकि ठंडी है ना, जो ठंडी वो बहुत ज़्यादा लग रही है। मेरे को भी मम्मा ने बोला था दस्ताने पहन ले, टोपी ले ले, मैंने बोला मम्मा क्या टोपी दस्ताने, तो अभी पता लग रहा है टोपी दस्ताने, एक बार पूछ लेना चाहिए था यार, यही है ना, तो किससे पूछो, अभी लग तो यही रहा भाई। ये समराला चौक भी आ गया ना जी, यही वाला ना, मैं क्या पूछ ले एक बार, कंफर्म कर लें कहीं बातों बातों में कहीं आगे ही ना निकल जाए, तो यहीं पर समराला चौक अपने को मिलने वाला है। ये बुड्ढा नाला है यहाँ पे भाई साहब, उनके सामने से आ रहे हैं, कोई किधर से आ रहा है, पर मेरे को गुरुद्वारा नहीं दिखा अभी तक यार, पता नहीं जल्दी जल्दी में नहीं पता लगा। अरे शुक्र है मैंने ऊपर पुल नहीं चढ़ा दिया, ये ट्रक के पीछे ना कभी ज़िंदगी भर रखो, बड़ी गाड़ियों के पीछे अपनी बाइक कभी ना लगाएं। ये आ गया गुरुद्वारा, शायद आपको ऊपर साइन बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है नानक सर गुरुद्वारा साहिब जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, बाबा जी सभी को खुशियाँ दें। तो अब गुरुद्वारे के सामने जाना था, पर सामने से इधर तो दीवार है, अभी घूम के चलते हैं समराला चौक से, ये आ गया समराला चौक, तो यहाँ से लेते हैं यू टर्न, यहाँ से लिया हमने यू टर्न, यू बोले तो यू, ये अपन ने ले लिया यू टर्न समराला चौक से होते हुए, यहाँ से अपन को जाना है पहली ही लेफ्ट को शायद, बाकी चलिए जिधर भी जाना चलते हैं, पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और पहले तो वीडियो को लाइक मारो भाई साहब, आपके लिए इतनी ठंडी ठंडी में वीडियो बना रहा भाई।